एक टंकी है इधर, बड़ी बड़ी ये सब टाइल्स हैं। तो गाइस ये रहा मेरा भाई ने आयांश। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 9, सो के उठ चुका था सुबह ही, वही बता रहे थे ना, ब्लॉग वीडियो एडिट करना रहता था, डालना रहता था, तो इसीलिए ये टाइम हो गया। और चले गए थे सुबह सुबह जहांगीरगंज, बताया ना, जहांगीरगंज चले गए थे दिलीप भाई को लाने के लिए, रिसीव करने के लिए चले गए थे। वो दिल्ली से आ रहे थे, क्रिकेट की तैयारी करते थे ना, वहाँ पे थे। तो चलिए ठीक है, वहाँ से आ चुका हूँ, अब चल रहे हैं खाने। अब खाने के बाद तब आप लोगों से मिलता, तब तक के लिए बाय। फाइनली आ गए जूस के दुकान पर, अब चलो जूस पीते हैं। कहाँ भैया, आम का जूस दे दो भैया। 15-20 जी भैया, 15 वाला, 15-15। तो चलो फाइनली गाइस हम आ गए हैं अपने बहने के पास। बता रहे थे आप लोगों से मैं मामा बन गया ना, तो यही है बाबू। तो गाइस ये रहा मेरा भाई ने आयांश बाबू। हाँ कहते बाय बाय, हाय फ्रेंडा, पैसा पाया नानी दी है, कौन दिया नाना। तो गाइस चल रहे हैं आप घर, घर पे देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, क्या नहीं। तो फाइनली गाइस आ गए हैं अपने नए वाले घर पे, जो बन रहा था चाचा जी का। ये देखिए सब बंद है, पूरी तरह लॉक है। ये रहा दरवाज़ा, ये है इंडियन दरवाज़ा। तो इधर देखिए अंदर सब्जियां लगाई गई हैं, चाची लगाई हैं। तो उधर देखिए आपकी ये 2 महीने बाद छत लगेगा, और उधर किचन, मतलब वही वाला पुराना घर है, नया वाला जो बन रहा था। काफ़ी दिन बाद आए यहाँ। तो चलिए अब चाचा जी के यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि दिलीप को रिसीव करने गए थे, यहीं पर लाए, यहीं पर रुक गए हम। तो चलिए ठीक है, अब अविरल भाई फ़ोन किए, अब चल रहे हैं वीडियो शूट करने, उसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो चलो गाइस फाइनली जो है गैलरी साफ़ कर दिए, बहुत ज़्यादा जो है फोटो वीडियो था, बहुत स्टोरेज, मतलब 128 GB है, तो उसमें पूरा का पूरा 0B दिखा रहा था, ये एकदम खाली नहीं था। तो चलिए साफ़ कर दिए अभी जाके, चलिए साफ़ कर दिए अभी जाके। और गाइस बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारी सपना मैम जो आजमगढ़ की कॉमेडियन स्टार हैं, सपना मैम, आज उनका जन्मदिन है। तो मैम आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, आप बहुत आगे बढ़िए। तो चलिए ठीक है, अब गाइस खाते हैं देख। तो वही सुबह का खाना, तो चलिए खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। गाइस आज अविरल आ रहा है मिलने फिर, तो चलिए उसके साथ आज प्रैंक करते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद। तो गाइस अभी अभी जहांगीरगंज से आए, 1-2 घंटा बीता, तो फिर जहांगीरगंज जा रहे हैं अब। तो गाइस ये रही नरिया जो छत की डिज़ाइन के लिए लाया गया था, तो बच गई है, तो इसे रिटर्न करने फिर जहांगीरगंज चलते हैं। पूरा फैक्ट्री है गाइस, देखिए एक टंकी है इधर, बड़ी बड़ी ये सब टाइल्स हैं। ये देखिए गाइस इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स हैं, और मोटी मोटी हैं, मजबूत हैं ये सब, करकट वगैरह, मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था है। मतलब ये देखिए टंकी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी, 1000-2000 लीटर। इधर देखिए करकट्स हैं, और ये रही टाइल्स, मतलब हर प्रकार की टाइल्स है, पूरा एकदम गोदाम है, बहुत बड़ी दुकान है जहांगीरगंज मार्केट में। तो गाइस यही कपड़ा लेकर आए थे, 2 पीस बचा था, वही रिटर्न किए, ये और ये। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो गाइस ये एक और देखिए यहाँ पर, यार तो पूरा शोरूम बहुत बड़ा, जैसे कंपनी एकदम, देखिए करकट डिज़ाइन वाले करकट सब। तो चलिए बाहर चलते हैं, ये टाइल देखिए, बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स हैं यहाँ पर, बट डर लग रहा है टूट ना जाए यार, नहीं तो। ये देखिए बहुत सारी हैं, चौखट भी है यहाँ पे देखिए। इधर देखिए स्टील करकट्स हैं, लोहे वाला, ये पाइप। इधर देखिए, ये देखिए कितनी डिजाइनदार है, मस्त है, ये सिल्वर और ये गोल्ड टाइप की, बहुत मस्त लग रहा है डिजाइन। क्या चाहिए देखा, बहुत टाप भगवान है फोटो। इधर देखिए भगवान, जय बजरंगबली, हर प्रकार की टाइल्स हैं यहाँ पे। इधर देखिए एक एक सी डिजाइन के टाइल्स है, देखिए सारे देवी एवं देवताओं में, देखिए ये सारी किचन वाली टाइल्स है। इधर देखिए हैं, मतलब बहुत सारी टाइल्स है, बहुत बड़ी एकदम कंपनी है, समझिए। इधर देखिए नट बोल्ट, तो गाइस बहुत एकदम समझ लीजिए विशाल भंडार है टाइल्स का।
तो चलिए बाहर चलते हैं। तो चलिए करते हैं अब नाश्ता। आ गया छोला, आगे पढ़ाई ना। तो गाइस देखिए यही वाला जो खपड़ा था यही रिटर्न लेके गए थे, यही यहाँ पे लग गया सारा काम खत्म एकदम फिनिश। फाइनली गाइस जो है अब घर से निकल चुके हैं शाम को टहलने के लिए रोड पे। हम हैं दिलीप भाई, इधर छोटा भाई, छोटा डॉन दीपांशु प्रजापति। कैसे हो? ठीक है। ठीक है तो चल रहे हैं सड़क पे वहाँ पे घूमने के लिए। चलिए वहाँ पे चलते हैं, फिर क्या होता है क्या आप लोगों को दिखाते हैं तब। तो फाइनली गाइस फार्म पे चले आए थे और क्या है ना फार्म के सारे बच्चे जितने बच्चे थे सारे बच्चे चले गए। सारा कटहल टूट चुका, पेड़ पे है ही नहीं कटहल, तो ये तोड़ के चाचा कुछ बचा था चाचा जी इसमें पैक कर दिए। हम ले जा रहे हैं घर, उसके बाद यहाँ पे फार्म पे आना है, फिर वापस मुर्गा लेके जाना है घर पे बनाना। तो चलिए ठीक है अब चलते हैं, कटहल रख के आएंगे उसके बाद तब मिलते हैं, दोबारा आते हैं जब। तो फाइनली गाइस यहाँ से फार्म पे से निकल रहे हैं, अब चल रहे हैं घर, मुर्गा उर्गा ले लिए हैं। सनी भाई आ रहे हैं अभी। तो फाइनली गाइस आज बन रहा मुर्गा, अभी खाएंगे। तो गाइस आधा मुर्गा बन चुका है। तो गाइस फाइनली बन गया, अब चलते हैं खाने, अब मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।